क्या करना है, कुछ प्रॉपर्टी यूज करना है, ठीक है। एक तो रैंक की प्रॉपर्टी अपने को यूज करना है इसमें, दूसरा कुछ आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। तो एक्चुअली में आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर उसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। ये प्रॉपर्टी आपको पता है, लेकिन थर्ड एक और प्रॉपर्टी जो कि रैंक से रिलेटेड है उसका भी यूज करना। बट हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट तो कर सकते हैं, जैसे मान लो ये एक मैट्रिक्स की मतलब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, जैसे बच्चे तो है या ऑड ऑर्डर का, अगर मैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लूं और जे में से आई को माइनस कर दूं तो क्या होगा, इसमें से 0 0 अगर एग्जाम में ऐसे टाइप किया जाता है प्रॉपर्टी नहीं पता है तो इसमें से एलिमिनेट करना सीख लो। हेलो, ये समझ में आया सबको? तो इसका आंसर 2 आ रहा है। सिंपल बात है, एन का वैल्यू हम यहां पे 3 और इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, 3 आई का 2 आ रहा है। तो इसमें अगर डी का ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है तो इसमें कितना आ रहा है, 1 0 और अगर एन क्रॉस एन ऑर्डर का तो आंसर कितना आना चाहिए, 3 3 ये ऑप्शन है एलिमिनेट। ये एन माइनस 2 ये ट्रू होगा, ऐसा भी नहीं हो सकते, बट ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब चेक कर सकते हैं, लेकिन ये काउंटर एग्जांपल के ऑप्शन को भी ये तीनों पहले देख। तो पहले मैट्रिक्स यूज करके अपना ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है, मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि जो जिसमें कुछ अलग प्रॉपर्टी यूज होता है, ठीक है, तो वो अलग प्रॉपर्टी का पता चलता है, बाद में उसको सॉल्व करते हैं पता चलता है इसका इस रिजल्ट का यूज किया। तो जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट सॉल्व करते हैं वो हमेशा काउंटर एग्जांपल से सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये क्लियर है सबको? तो अगर एग्जाम में जब भी ऐसा मैट्रिक्स आता है, जैसे कोई फॉर एग्जांपल 104 इस सॉर्ट का मैट्रिक्स है, तो हमेशा ये आइडेंटिफाई करना कि इवन या ऑड है। अगर इन जनरल मैट्रिक्स है तो इवन के लिए चेक करो, एक ऑड के लिए चेक करो, अगर ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो ठीक है, अगर एक दो ऑप्शन बच गए तो फिर और एक एग्जांपल लेके उससे एलिमिनेट करो। अगर 4 में से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए ना तो एक ऑप्शन क्या होता है, करेक्ट हो जाएगा, बट हाँ वो एक सेटिस्फाई भी होना चाहिए। अगर वो 4 एलिमिनेट हो गया तो वो एग्जांपल के कुछ मतलब नहीं। क्लियर है सबको? हेलो, ये समझ में आया सबको?
बाकी
पास ये कुछ कंडीशन दिया है और अपने को ये बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अब अगर यही क्वेश्चन फॉर एग्जांपल एग्जाम में आ गया, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट इसमें कोई रिजल्ट तो यूज़ नहीं कर सकते, तो मतलब कोई ऐसा काउंटर एग्जाम्पल देना रहता है कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे और इसमें से एक भी ऑप्शन क्या हो, मतलब जितने ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते उतना अच्छा रहता है। तो देखो अप्रोच कैसा रहता है, ध्यान से, सबसे पहला क्या माइंड में जाना चाहिए कि ए और बी दोनों को मैं जीरो मैट्रिक्स ले लूँ। तो अब ध्यान दो, अगर मैं ए बी और बी को दोनों को जीरो मैट्रिक्स ले लूँ तो दिक्कत क्या होगी, ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, ये भी पार्ट जीरो आ जाएगा, तो जीरो कभी आइडेंटिटी के इक्वल तो नहीं हो सकता, मतलब ये एलिमिनेट हो गया। अब एक काम करता हूँ, बी को जीरो मैट्रिक्स पुट करता हूँ और ए को कोई एक नॉन जीरो मैट्रिक्स, इससे क्या होगा, जैसे मैं बी को जीरो पुट कर रहा हूँ ना, ये दोनों पार्ट जीरो और ये भी पार्ट जीरो किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल, मतलब मैं ऐसा भी नहीं ले सकता हूँ। तो एक काम करता हूँ, ए को जीरो मैट्रिक्स ले लेता हूँ, इससे क्या होगा, ये पार्ट जीरो ये पार्ट जीरो, तो बी को क्या चूज करेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है ना, तो बी को क्या चूज करना है कैसे पता चलेगा, ए को जैसे ही जीरो पुट करूंगा तो यहाँ पे बी पे कोई लेना देना नहीं, ये तो वैसे ही ए के जीरो होने से ये जीरो हो जाएगा और ए के जीरो होने से ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। तो अब मैं बी को ऐसा क्या सिलेक्ट करूं कि आंसर आइडेंटिटी आ जाए, तो मेरे पास ऑप्शन है कि जब मैं ए को जीरो पुट कर रहा हूं तो मैं बी को आइडेंटिटी भी पुट कर सकता हूं, और जब मैं ए को जीरो पुट कर रहा हूं तो बी को माइनस आइडेंटिटी भी पुट कर सकता हूं। इससे क्या पता चला अपने को, इसमें से कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, इससे समझ में आया कैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। जब भी काउंटर एग्जांपल लेना होता है सबसे बेस्ट एग्जांपल या तो जीरो मैट्रिक्स लो, या तो आइडेंटिटी लो, या तो माइनस आइडेंटिटी, अगर इससे नहीं होता है तो फिर कुछ ये टाइप के एग्जांपल आते हैं, जैसे जीरो अगर बताना है। ये जो कुछ टाइप के एग्जांपल्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इससे क्या पता चला अपने को कि अगर मैं ये मैट्रिक्स ले लूँ, मैं इससे प्रूफ नहीं कर रहा हूँ लेकिन एलिमिनेट कर सकता हूँ कि अगर मैं ए को जीरो मैट्रिक्स ले लूँ और बी को आइडेंटिटी ले लूँ, या ए को जीरो मैट्रिक्स ले लूँ बी को माइनस आइडेंटिटी, इससे ये मेरा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब ए नॉन सिंगुलर होगा ऐसा तो नहीं होगा, ए इंटू बी, अगर मैं ये एग्जाम्पल ले लूँ तो ए जीरो है तो ए इंटू बी भी क्या आ जाएगा, जीरो। अब बचा सेकेंड और थर्ड ऑप्शन, अब चेक करते ए प्लस जीरो, तो ए प्लस जीरो क्या आएगा, आइडेंटिटी, यहाँ पे ए प्लस आएगा माइनस आइडेंटिटी, बट ये दोनों तो यहाँ पे कैसे आ रहे, नॉन सिंगुलर, मतलब इससे ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहे और इससे हम लोग इसको प्रूफ भी नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग सिर्फ एग्जांपल लेके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते, उसको प्रूफ नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर है सबको, याद रखना एग्जांपल से हमेशा काउंटर एग्जांपल लेके एलिमिनेट करना होता है, उससे डायरेक्ट किसी ऑप्शन को करेक्ट नहीं बोलना है। यहाँ तक क्लियर है सबको, जब मैं दोनों को जीरो ले रहा हूँ तब भी नहीं आ रहा है, एक को जीरो दूसरे को आइडेंटिटी ले रहा हूँ तब भी नहीं आ रहा है। तो अब मैं काम करता हूँ, ए को आइडेंटिटी और बी को जीरो तो मैं वैसे भी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि बी को जीरो लेने से ना बहुत प्रॉब्लम हो जा रहा है, क्योंकि बी को जैसे मैं जीरो ले रहा हूँ, ध्यान सुनो, बी को मैं जैसे ही जीरो लूँगा तो सिर्फ यहाँ पे बी के पास ऑप्शन क्या बचते हैं, अरे सॉरी, बी को जब मैं जीरो लूँगा ना तो ये आइडेंटिटी के इक्वल हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब बी को तो जीरो नहीं ले सकते, ए चाहे जो भी हो बी को जीरो नहीं ले सकते, ये मेरा डायरेक्ट प्रूफ हो रहा है। तो मतलब ये चेक करने की तो वैसे भी जरूरत नहीं है, ये समझ में आ रहा है कि अगर सपोज मैं बी को जीरो पुट करूंगा, ए पे कोई भी कंडीशन लगा दो, ये पूरा जीरो आ जाएगा और ये जीरो, क्योंकि यहाँ पे तो ए पे कोई कंडीशन है नहीं, तो मतलब ये आइडेंटिटी जीरो विच इज पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब बी को तो मैं कभी भी जीरो मैट्रिक्स नहीं ले सकता, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि जो बी मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होगा, बी को नॉन जीरो मैट्रिक्स लेना है, बट इट डजेंट इम्प्लाई कि बी का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होगा। हो सकता है बी नॉन जीरो मैट्रिक्स हो लेकिन बी का डिटर्मिनेंट जीरो हो सकता है। तो अब एक एग्जांपल से हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, इससे ये तो क्लेम हो गया कि बी नॉन जीरो मैट्रिक्स है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा दो एग्जांपल लेते हैं,
अब आइडेंटिटी और जीरो भी हो गया, जीरो आइडेंटिटी भी हो गया। अब एक काम करते हैं, दोनों आइडेंटिटी लेके देते हैं। तो जब दोनों को आइडेंटिटी लेंगे तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये भी आइडेंटिटी आ जाएगा, ये भी आइडेंटिटी आ जाएगा, ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, जीरो। जबकि टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू जीरो, फिर से वही कंडीशन आ गया। इसका मतलब मैं दोनों को आइडेंटिटी भी नहीं ले सकता। फिर एक काम करता हूँ, आइडेंटिटी और माइनस आइडेंटिटी लेके चेक करता हूँ। तो ये देखो, ये आइडेंटिटी और एक माइनस आइडेंटिटी, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आइडेंटिटी। और इसको हम लोग अगर माइनस आइडेंटिटी ले रहे हैं तो उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मतलब ये पूरा जीरो मैट्रिक्स, यहाँ पे एक आइडेंटिटी और ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, ए को हम लोग माइनस आइडेंटिटी लिए ना, तो ये आ जाएगा अपने पास टू, मतलब ये भी नहीं ले सकता हूँ मैं। तो इसका मतलब हम लोग क्या लेंगे, तो जब मैं बी को माइनस आइडेंटिटी ले रहा हूँ और ए को आइडेंटिटी तब भी नहीं आ रहा है, तो अब क्या ऑप्शन बचा अपने पास, कि ए को माइनस आइडेंटिटी ले ले रहा हूँ और बी को आइडेंटिटी, तो इससे क्या होगा, फिर से माइनस आइडेंटिटी, बी का स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी, फिर से जीरो। और यहाँ पे देखो, आई बी को ले रहे आइडेंटिटी और ए को ले रहे माइनस आइडेंटिटी, तो मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। तो अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, अब देखते हैं इससे कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, आइडेंटिटी माइनस आइडेंटिटी इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, तो ये नॉन सिंगुलर वाला ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। इसका मतलब बी कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। या हम लोग ने इसको प्रूफ नहीं किया, हम लोग ने इन तीनों को एलिमिनेट करके ये बाई डिफॉल्ट प्रूफ हो जाता है, मतलब ये ऑप्शन इन, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑप्शन ये, हाँ मे बी हो सकता है कि ये भी ना, अगर ये भी नहीं रहेगा तो इसका मतलब नन ऑफ दिस आएगा और इसका मार्क्स फिर जिसने भी अटेम्प्ट किया है उसको पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो ये ट्रू हो या ना हो तो इससे लेना देना नहीं एग्जाम में। तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो फोर्थ को ट्रू मानने का, अगर वो भी इनकरेक्ट आ गया तो जिसने भी अटेम्प्ट किया सबको मार्क्स मिलते हैं। क्लियर है सबको ये, जैसे कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन, सबने फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन चेक किया था, फोर्थ सबको लग रहा था राइट है, लेकिन बाद में फोर्थ ही ऑप्शन वो भी करेक्ट नहीं था। तो अगर एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसका मतलब सबको पूरे मार्क्स मिलते हैं। नेट के क्वेश्चन जितना पॉसिबल है ना, काउंटर एग्जांपल से ऑप्शन को एलिमिनेट करो, और खासकर पार्ट बी में। ये क्लियर था क्वेश्चन सबको।